आज 4 नवंबर शनिवार कार्तिक पूर्णिमा है। ये दिन सिख समुदाय के लिए बहुत खास है, क्योंकि इसी दिन सिखों के प्रथम गुरुवार नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। इसी खास मौके के चलते आज हम आपके 10 ऐसे गुरुद्वारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद सुंदर और प्रसिद्ध है। एक गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब सिंह पंजाब अमृतसर के। इस गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब सिंह को श्री दरबार साहिब और स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह गुरुद्वारा बेहद सुंदर होने के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे भारत के मुख्य दर्शनिक स्थलों में भी गिना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस गुरुद्वारे को बचाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह जी ने इसके ऊपरी हिस्से को सोने से ढंक दिया था, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर का नाम भी दिया गया था। दो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यह गुरुद्वारा समुद्र स्तर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। बर्फबारी के कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसे अक्टूबर से अप्रैल तक बंद कर दिया जाता है। यह गुरुद्वारा बेहद सुंदर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी वास्तुकला का भी उदाहरण है। 3. हजूर साहिब गुरुद्वारा महाराष्ट्र। हजूर साहिब सिखों के 5 तख्तों में से एक है। यह महाराष्ट्र के नांदेड़ नगर में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसमें स्थित गुरुद्वारा सचखंड कहलाता है। गुरुद्वारे के भीतर के कमरे को अंगीठा साहिब कहा जाता है। माना जाता है कि इसी स्थान पर 1708 में गुरुवार गोविंद सिंह का अंतिम संस्कार किया गया था। महाराजा रणजीत सिंह के आदेश के बाद इस गुरुद्वारे का निर्माण सन 1832-1837 के बीच हुआ था। 4. गुरुद्वारा पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश। पांवटा साहिब गुरुद्वारा 10वें गुरुवार श्री गुरुवार गोविंद सिंह जी को समर्पित है। यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। इसी जगह पर गुरुवार गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के 4 साल बिताए और इसी जगह पर दशम ग्रंथ की रचना की। गुरुद्वारे का एक संग्रहालय है जो गुरुवार के उपयोग की कलम और अपने समय के हथियारों को दर्शाती है। 5. सीसगंज गुरुद्वारा दिल्ली। यह दिल्ली का सबसे पुराना और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। यह गुरुवार तेग बहादुर और उनके अनुयायियों को समर्पित है। इसी जगह गुरु तेग बहादुर को मौत की सजा दी गई थी जब उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के इस्लाम धर्म को अपनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यह गुरुद्वारा 1930 में बनाया गया था। इस जगह अभी भी एक ट्रंक रखा है जिससे गुरुजी को मौत के घाट उतार दिया गया था। 6. फतेहगढ़ साहिब पंजाब। फतेहगढ़ साहिब पंजाब के फतेहगढ़ जिले में मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि वर्ष 1704 में साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह को फौजदार वजीर खान के आदेश पर यहां दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। यह गुरुद्वारा उन्हीं की शहादत की याद में बनाया गया था। गुरुद्वारे की मुख्य विशेषता सिख वास्तुकला का नमूना है, जिसमें सफेद पत्थर की संरचनाएं एवं स्वर्ण गुंबद है। 7. तख्त श्री दमदमा साहिब पंजाब। दमदमा का मतलब श्वास या आराम स्थान होता है। गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब सिखों के 5 तख्तों में से एक है। यह पंजाब के बठिंडा से 28 किमी दूर दक्षिण पूर्व के तलवंडी सबो गांव में स्थित है। मुगल अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बाद गुरुवार गोविंद सिंह जी यहां आकर रुके थे। इस वजह से इसे गुरु की काशी के रूप में भी जाना जाता है। 8. गुरुद्वारा मणिकरण साहिब हिमाचल प्रदेश। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब मनाली के पहाड़ों के बीच बना हुआ है और इसलिए यहां का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि यह पहली जगह है जहां गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्रा के दौरान ध्यान लगाया था। यह गुरुद्वारा जिस पुल पर बना हुआ है उसी पुल के दूसरे छोर पर भगवान शिव का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसी वजह से यह जगह और भी खास मानी जाती है। 9. गुरुद्वारा श्री केशघर साहिब पंजाब। गुरुद्वारा श्री केशघर साहिब पंजाब के आनंदपुर शहर में है। कहा जाता है कि आनंदपुर शहर की स्थापना सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने की थी। साथ ही यह गुरुद्वारा सिख धर्म के खास 5 तख्तों में से एक है। इसी कारणों से इस गुरुद्वारे को बहुत ही खास माना जाता है। 10. गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली। मध्य दिल्ली में स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब के रूप में मौजूद जगह पहले राजा जय सिंह की थी, जिसे बाद में गुरुवार हरकिशन जी की याद में एक गुरुद्वारे में तब्दील कर दिया गया। शुरुआती दिनों में इसे जय सिंहपुरा पैलेस कहा जाता था, जो बाद में बंगला साहिब के नाम से मशहूर हुआ।